मेरा नाम हाफिज अख्तर अली अरशद है लाहौर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर शुभ इस्लामियात में बतौर रिसर्च एसोसिएट मेरा तो तक्र हुआ कुछ अर्सा मैंने वहाँ पर काम किया उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है वो सीरत चेयर कायम हुई तो उस सीरत चेर के अंदर जो है वो बतौर हेड हेड के सेक्रट्री के तौर पर मेरे जो है वो तैनाती होगी तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो इतफाक से जो है वो उसी दौरान मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं डायलिसिस पे चला गया तो जिस वजह से मुझे फिर वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा तो तकरीबन इस बात को दो साल हो गए हैं कि मैं घर में ही बैठा हूँ और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है कि जो मैं घर से बाहर निकल के कर सकूँ मकान जो है वो मेरा रेंट का है और बच्चे मेरे जो हैं वो अभी छोटे हैं असलम नाजरीन जागता पाकिस्तान के साथ मुआज़ शकूर इस वक्त मैं एक ऐसे मर्द मुजाहिद के साथ मौजूद हूँ जो हफ़्ते में जिनके तीन बार किडनी डायलिसिस होते हैं एक यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करते थे यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया एक मस्जिद में ख़तीब भी थे लेकिन अपनी बीमारी के बायस अपनी खिताबत को जारी ना रख सके आइए इन बात करते हैं अच्छा सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या किस किस इदारे में किस किस महकमे में आपने कितनी कितना अर्सा काम किया है मेरा नाम हाफिज अख्तर अली अरशद है और मेरी तालीम का मामला ये है कि मैंने पहले हिफ्ज़ुल कुरान किया अपने आबाई शहर जिसको कसूर शहर कहा जाता है जाम सईदिया से मैंने मुकम्मल हिफ कुरान करने के बाद लाहौर में जाम लाहौर सलामिया जो कि मदरसा रहमानिया के नाम से मरूफ़ है वहाँ से मैंने आठ साल दरस नज़ामी कोर्स तजवीद सबा अशरा ये सारे मामल के साथ साथ एम ए वफाकुल मदारस जो है उसको मुकम्मल फरम किया उसके बाद फिर उसी अदारे के अंदर अलहमदिल्ला मुझे तदरीस का और मुख्तलफ़ रिसर्च के मामलों के अंदर काम करने का मौका मिला कोई दो हज़ार दो से लेकर दो हज़ार नौ तक मैंने वहाँ पर मुख्तफ मामलों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी जिसमें सरफरश ये था कि मैं वहाँ के आई टी डिपार्टमेंट का बतौर हेड भी रहा इस्लामिक सॉफ्टवेयर बनाए इस्लामिक वेबसाइट बनाई और इसी तरीके से मुख्तलफ़ तहक़ीकी काम जो थे जिनके अंदर अरबी से उर्दू तराजम और हमारा एक इलमी मुजल्ला जिसको मानामा मुहदस के नाम से जाना जाता है उसके मामलत को देखना और करना ये सारे मामलत वहाँ पर सर अंजाम दिए और उसके साथ साथ मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से एम ए और एम ए उर्दू किया और दो हज़ार नौ तक मैंने वहाँ पर काम किया तो दो हज़ार आर्ट में मुझे हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से तबीयत जो है वो ख़राब रहना शुरू हो गई तो मुझे मजबूरन जो है वो वापस अपने घर कसूर में शिफ्ट होना पड़ा तो कसूर में शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने मुख्तलफ़ स्कूल्स के अंदर जो है वो तदरीसी खदम्त सर अंजाम दी जिनमें में डी पी एस और दी सी टी स्कूल ये सर फहरिस्त हैं तो ये मामला चलते रहे तो उसके बाद दो हज़ार चौदह के अंदर मैं दोबारा फिर वापस अपने इदारे के अंदर चला गया वहाँ पर मैंने कुछ काम किया फिर उसके बाद जो है वो मरकज बिलाल बिलाल इस्लामी यूनिवर्सिटी जो कि पहले सकियाँ पुल पर थी और इस वक्त वो यहाँ पे आजम क्लाथ मार्केट के अंदर मौजूद है तो वहाँ पे कुछ काम किया और उसके बाद फिर मुझे जो है वो फिर कुछ तबीयत के मिसाइल और कुछ वालदा की तबीयत के मिसाइल की, की वजह से मुझे वापस आना पड़ा तो उस दौरान फिर मेरा सऊदी अरब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ शेख साल मुनजद उनका एक प्रोजेक्ट था अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन का तो उस पर मैं काम करता रहा फिर उसके बाद जो है वो हाल के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट था उस पर मैं काम करता रहा तो इस तरीके से जो है वो मामला चलते रहे और फिर आखिरकार मैं दोबारा जब वापस गया तो लाहौर यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर शुभ इस्लामियात में बतौर रिसर्च एसोसिएट मेरा तक्रर्र तो हुआ कुछ अर्सा मैंने वहाँ पर काम किया उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है वो ए, सीरत चेयर कायम हुई तो उस सीरत चेयर के अंदर जो है वो बतौर हेड के सेकट्री के तौर पर मेरे जो है वो तैनाती हो गई तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो इतफाक से जो है वो उसी दौरान मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं डायलिसिस पे चला गया तो जिस वजह से मुझे फिर वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा तो तकरीबन इस बात को दो साल हो गए हैं कि मैं घर में ही बैठा हूँ और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है कि जो मैं घर से बाहर निकल के कर सकूँ अच्छा सर आपने ये बताया कि दो साल से आप इस डायलिसिस में जो है इस बीमारी में इस हारजे में मुबतला हैं और अब आप आपकी बीमारी की क्या सूरत हाल है डॉक्टर क्या बताते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट है या सिर्फ़ डायलिसिस ही होता रहेगा ये जी मामला ऐसा ही है कि इसमें जो है वो दो ही हल हैं या तो ट्रांसप्लांट है या फिर डायलिसिस है तो ट्रांसप्लांट की मैंने कोशिश की थी लेकिन वो अल्लाह को मंजूर नहीं था तो वो पाया तकमील तो को नहीं पहुँच सका तो अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन ही है डायलिसिस की तो इसलिए मैं सिर्फ वही ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ और कर रहा हूँ क्या क्या अच्छा तो सर ये आपकी बीमारी कब से स्टार्ट हुई है बीमारी की क्या सूरत हाल और कैसे आप इस शर्जे में मुब्तला हुए ये जी मेरी बीमारी की अगर इब्तद देखी जाए तो ये 2008 में मुझे जब हार्ट अटैक हुआ था ना उस वक्त मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए तो उन टेस्टों के अंदर शुगर जो है वो डायग्नोस हुई अब वो तकरीबन कह लें कि मैं शुगर पेशेंट था अरसा 2008 से लेके ये 2020 तक तकरीबन 12 साल तो बकौल डॉक्टर्स के कि उसी शुगर की वजह से जो है वो किडनी जो है वो फेल हो गई जिस वजह से फिर वो जो है वो मुझे डायलिसिस पे आना पड़ गया इसके अलावा और कोई हल नहीं था उस वक़्त अच्छा अब आप डायलिसिस किधर से करवा रहे हैं यहाँ किसी मुकामी हॉस्पिटल से करवा रहे हैं और हफ्ते में कितनी बार हो रहा है क्या ये इसका दूसरा हाल जो होता है ट्रांसप्लांट का वो आप उसको क्यों नहीं अडोप्ट कर रहे को माली सूरत हाल माली वजह से नहीं कर रहे या किसी और वजूहत की बिना पर डायलिस जो है जी वो जब मैंने स्टार्ट किए थे तो कुछ देर तो मुझे प्राइवेट करवाने पड़े फिर डी एच के वो कसूर के अंदर जो है वो अप्लाई किया हुआ था यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया वो मेरे फिर डायलिस जो है वो फ्री शुरू हो गए और आजकल जो है मैं करवा रहा हूँ भट्टी हॉस्पिटल सेहत कार्ड के जो है वो उसकी अब अदायगी हो जाती है तो मेरे लिए वो फ्री वाली बात ही है तो इस तरीके से चल रहा है मामला और हफ्ते में जो है वो तीन डायलिसिस जो है वो चल रहे हैं बाकी रही ट्रांसप्लांट वाली बात तो उसके लिए दो सहबाब ने मेरे साथ तावन किया था हमने उसको प्रोसेस को चलाया भी था इस्लामाबाद के एक बेहतरीन हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट तौर पे लेकिन मेरे डोनर के अनफिट होने की वजह से जो है वो प्रोसेस हमें ख़त्म करना पड़ा जिस वजह से जो है वो ट्रांसपाट वा, ट्रांसप्लांट वाला मामला रुक गया है अब मैं सिर्फ डायलिस वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छा सर ये डायलिसिस जो है ये आपके हफ़्ते में तीन बार हो रहे हैं और सेहत कार्ड की अमाउंट जो है वो एक लिमिटेड है Uh, कब तक आपका सेहत कार्ड से होता रहेगा और उसके बाद फ्यूचर में आपने क्या सोचा देखिए उम्मीद तो है कि ये सेहत कार्ड गवर्नमेंट ख़त्म तो नहीं करेगी क्योंकि अगर वो ख़त्म करती है तो एक बहुत बड़ा जो है मामला दरपेश होगा क्योंकि इस वक्त डायलिसिस के पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उतने वसायल नहीं हैं कि सारे पेशेंट जो है वहाँ पर एडजस्ट हो सकें तो इसलिए जो है ना वो उम्मीद तो यही है कि गवर्नमेंट इसका कोई आल्टरनेट कोई चाहे निकाले लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको ख़त्म करेगी क्योंकि ख़त्म करने की वजह से ना बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा अच्छा सर अब आप जो हैं घर में रह सकते हैं बाहर आप जाके काम कोई नहीं कर सकते इतनी आप में एनर्जी नहीं रही इतनी पावर नहीं रही और आपका जो है ज़रिया आमदन कैसे है कैसे आप अपने बच्चों को चला रहे हैं कैसे आप अपने घर घर सर चला रहे हैं देखें इसमें अब जाहिर सी बात है कि मामूलत ज़िंदगी चलाने के लिए कोई ना कोई हिम्मत तो करना पड़ती है तो उसके लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ जो है ना वो लगाने की कोशिश में लगा रहता होता हूँ बाजग मुझे कोई चूँकि कंप्यूटर के अंदर मुझे काम करने का एक अच्छा खासा वसी तजर्बा है कभी उस एतबार से कोई काम मिल गया कोई कम्पोजिंग का काम मिल गया वो कर लिया कभी जो है वो ए, ट्रांसलेशन का काम मिल जाता है अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन का ये पीछे रिसेंटली जो है वो एक प्रोजेक्ट था वजारत हज का तो उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया और इसी तरीके से जो है वो आजकल कल चूँकि ऑनलाइन का एक सिस्टम चला हुआ है तो ऑनलाइन मुख्तल लोगों से रबता करके वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो मुझे सेंड कर देते हैं मैं उन प्रोडक्ट की जो है वो आगे एडवर्टाइजिंग कर देता हूँ इस तरीके से कोई ऑर्डर शॉडर मिल जाए वो मैं कुछ कर लेता हूँ और उसके साथ साथ आजकल फेसबुक पर लाइव सेशन का जो एक सिलसिला चला हुआ है वो हिम्मत करके कभी कभार वो भी कर लेता हूँ ताकि वो घर में बैठ के काम करने के का सबसे बेहतरीन जरिया है तो हिम्मत करके मैं उस पर भी थोड़ा काम कर लेता हूँ लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से उसमें इनकता काफ़ी आ जाता है जिस वजह से मामला में ख़राबी भी रहती है लेकिन अल्लाह रब कोई ना कोई मामला ऐसी सूरत पैदा कर देते हैं कि अलहमदिल्ला सूरत हाल चल रही है अच्छा आप जिस घर में रह रहे हैं जिस मकान में रह रहे हैं वो आपका अपना है या किराए पे और आपके जो हैं बेटे कितने हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं या बबी पढ़ रहे हैं या छोटे हैं उनके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइएगा जी ए, मकान जो है वो मेरा रेंट का है और बच्चे मेरे जो हैं वो अभी छोटे हैं पढ़ रहे हैं अलहमदिल्ला तीन बेटे हैं एक बेटी है बड़े दो बेटे एक का नाम अनस और अहमद है उन्होंने अलहमदिल्ला ये पीछे कोई हफ्ता एक पहले दोनों ने एक ही दिन में अपने कुरान करीम की तहफीज़ का मामला मुकम्मल किया और छोटे जो दो बच्चे हैं एक बेटी और बेटा वो अभी स्कूल जा रहे हैं तो जा रहे हुए अभी इनके पढ़ने की उम्र है इसलिए अभी पढ़ाई के अंदर मसरूफ़ हैं मेरे साथ कोई माली मामलत के अंदर अभी ये शरीक नहीं हो सके Uh, सर ये बताइएगा कि ऑनलाइन अगर आप कोई आपका इरादा के हम आपको सजेस्ट करेंगे कोई आप ऑनलाइन स्टोर खोल लें जिसमें घर की अशिया हो जाए कोई मिर्च मसाला या इस तरह क्रॉकरी का कोई सामान हो जाए इस लिहाज से आप कोई अगर आपका कोई जहन है माइंड है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है आपके एडवर्टाइज़मेंट के लिए हर किस्म के लिए कोई अगर आपका कोई इस तरह का इरादा है तो आप इधार कर सकते हैं असल में ना जी काम बहुत सारे हैं जो किए जा सकते हैं लेकिन काम करने के लिए जो है ना वो जिस्मानी मजबूती जो है वो बहुत ज़रूरी है जबकि मेरी सूरत हाल ये है कि मैं जिसमानी एतबार से काफ़ी कमज़ोरी का शिकार हूँ कि जिस वजह से मैं मतलब भी बाहर निकल के कोई डीलिंग नहीं कर सकता अब घर बैठ के जो है वो मैं लगूँ तो वो जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ तो इसलिए जो है वो इन श्ल अल्लाह ताला इसके रस्ते खोलेंगे बहरहाल इसमें ये है कि मैं कोशिश में लगा हुआ अल्लाह रबुल्ज़त इसका कोई ना कोई बेहतर हल पैदा कर देंगे इन शाला जी तो नाजिन ये थे हाफिज़ अख्तर अली अरशद साहब एक यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाते रहे हैं बड़े बड़े महकमे में बड़े बड़े इदारों में इन, इन्होंने काम किया एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे भी इन्होंने काम किया और इसके बाद इनकी सूरत हाल ये है कि हफ़्ते में तीन बार इनके किडनी डायलिसिस होते हैं इनका जो घर है वो रेंट पे है और इसके साथ इनके चार बच्चे हैं और वो अभी पढ़ाई करते हैं स्टडी करते हैं इनका गुज़र आमदन नहीं ऑनलाइन काम करते हैं और इनका जो है ये है कि मैं ऑनलाइन कुछ स्टोर खोल लूँ इसके इस हवाले से इनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है आप इनकी माली मुआवनत भी कर सकते हैं इनसे डायरेक्ट रबा करके और इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह इसी के साथ अपने मेज़बान माशकुर को इजाज़त दें मिलते हैं एक नई वीडियो में अल्लाह हाफिज